जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर राहुल के लापता होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। बताया जा रहा है राहुल के पिता की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में पिता ने कहा है कि बेटे को तलाश किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त मौजूद है। जानकारी मिल पा रही है राहुल के पिता के पास, यानी सुरेश चंद्र शर्मा के पास। विष्णु, सीधा आपके पास आते हुए, सुरेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत करिएगा, क्योंकि उन्होंने याचिका दायर की है कि उनके बेटे को किसने बंदी बना रखा है। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क करने की विष्णु से दोबारा कोशिश करेंगे, अपरिहार्य कारणों की वजह से संपर्क टूट चुका है। लेकिन बताते चलें, सुरेश चंद्र शर्मा राहुल के पिता हैं, इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके बेटे को किसी ने, यानी कि राहुल को किसी ने अगवा कर रखा है, बंदी बना रखा है। पिता का आरोप है कि उनके बेटे को किसी ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, और यही वजह है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, जंगलों में अभी तक राहुल का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले बताते चले, आशीष का शव जो है वो बरामद किया गया था, और आशीष का शव जब से बरामद किया गया है, राहुल की तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाए रखे हुए हैं जंगलों पर टीम, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पहाड़ियों पर। लेकिन राहुल का पता नहीं चल पाने की वजह से परिवार जो है वो अभी सदमे में है। और हमारा संपर्क एक बार विष्णु से हो चुका है। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? विष्णु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता चले कि राहुल के पिता की याचिका पर हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, और पता लगाने की ये कोशिश अब की जा रही है कि आखिर राहुल है कहाँ। सर्च ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई हैं वो लगातार राहुल का पता लगाने में कोशिश कर रही हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी इस बात का पता लगाया जा रहा है, चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है, लेकिन राहुल का पता नहीं चल पा रहा है। और यही वजह है कि अब उनके पिता की तरफ से याचिका लगाई गई है। विष्णु, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक, एक बार बताइएगा। देखिए, राहुल को अभी तक लापता हुए 9 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन राहुल कहाँ है ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले में राहुल के पिता परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की गई है, जिसमें आज सुनवाई होनी। डबल बेंच जो है वो खंडपीठ है, वो आज सुनवाई करेगी। और आज न्यूज 18 पर पहली बार राहुल के पिता सुरेश जी और उनकी माँ जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, 9 दिन का वक्त बीत चुका है राहुल को खोज गए हुए, क्या लग रहा है? मिलना से आज राहुल आपकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की गई, आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हाँ, किसी ने पकड़ रखा हो? क्या लगता है आपको, क्या कहा है आपने उसमें? मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ रखा हो। पकड़ रखा हो? जिंदा है राहुल। जिंदा है। क्यों लगता है, मतलब कैसे लगता है? कुछ कोई सुराग मिला है कुछ पुलिस को? अभी तो कोई पुलिस कोई सुराग नहीं है, कार्रवाई कर रही है। सुनवाई में आपकी ओर से कोर्ट को क्या कहा जाना है, क्या कहेंगे आप कोर्ट को जो याचिका आपने लगाई है? यही कहेंगे कि राहुल मिल जाए, बहुत अच्छा है। देखिए, राहुल की जो माताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप माताजी, पहली बार, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ उस दिन क्या हुआ था, सुबह से लेकर के क्या बोल के राहुल और आशीष गए थे, उसके बाद में क्या होता है? वो ऐसे बोले कि भाई हम यहाँ पहाड़ी पे इधर जाके घूम के फिर हम आ रहे हैं, घूमेंगे, आज संडे था ना उस दिन, तो बोलो हम घूम घाम के फिर आ जाएंगे। ऐसे घूम के घूमने के लिए गए थे बस। किसने कहा था जाने के लिए, घूमने जाने के लिए? राहुल की भी थी, आशीष की भी थी, भाई चल जाएंगे दोनों ही। ये थी पहले भी इसी रास्ते से कभी गए? हाँ। कितनी बार? कई बार जा चुके हैं। उस दिन क्या हुआ था फिर, आखिरी बार कब आपको फोन आया, क्या कहा? नहीं, उनका फोन नहीं है, मैंने फोन किया तो 11 बजे फोन बात हुई आशीष से, तो उसने कही कि हम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 घंटे बाद वो नहीं आए, फिर मैंने 1 बजे फोन किया तो वो इतना हड़बड़ा रहा था जो कि मम्मी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा।
तो फिर वो मतलब बहुत घबराया। फिर मैंने कही भाई मैं आ रही हूँ, तो बोलो आप मत आओ। तो मैंने कहा मेरे भतीजी का लड़का है यहीं पे, तो मैंने कहा मैं सन्नी को भेज रही हूँ, तो बोलो मम्मी भेज दो आप। तो वो बच्चा तुरंत ही 10 बच्चे कोई साथ में लेके तुरंत ही पहाड़ी पे चढ़ गया। उसने कही कि भाई आसू भैया आप घबरा मत, तो मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तुरंत ही पहुंच गया, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला उसको। अब इतने 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो वो मतलब वो दोनों ही बच्चे गायब हो गए। 11 बजे तो उसने ये बात नहीं कही कि राहुल नहीं है मेरे साथ। 11 बजे तो उसने यही कहा था कि हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर एक ही फोन आया आपको, उसके बाद में मतलब जब रास्ता भटकने की बात कही, कहा राहुल नहीं मिल रहा, उसके बाद में फिर कोई आपके राहुल से बात नहीं हुई? राहुल से तो जाने के बाद में बात हुई ही नहीं, राहुल से तो नहीं हुई। आपने फोन किया था राहुल को? हाँ। कितनी बार किया होगा? लगा राहुल को फोन किया था, आशीष से 11 बजे बात हो गई। हाँ। तो उसने कह दिया भाई आ रहा हूँ। हाँ। आ रहे हैं बोलो। हाँ। तो उसके बाद मेरी बात मैंने किया ही नहीं राहुल को। फिर बाद में 1 बजे आशीष से बात हुई, उसने वो बहुत हड़बड़ा रहा था, बोलो मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने वो राहुल को बहुत फोन किए, तो उसने मतलब फोन उठाया ही नहीं। आशीष ने कुछ कहा नहीं आपको कि भाई हम जंगल में कहाँ भटके हुए हैं, माँ राहुल कहाँ बिछड़ गया, कुछ बताया आपको उसके बारे में? इतना हड़बड़ा रहा था कि इतनी वो बात ही नहीं हो पाई। उसने बस इतना ही कहा था कि मम्मी मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। जो मतलब इतना हड़बड़ा रहा था, तो मेरे सुनते मेरे खुद के पसीने आ गए। ये देखो आप, कोई जंगली जानवर होने की बात कही हो राहुल ने, ऐसा कुछ बताया होगा? ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राहुल से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? नहीं, मेरी तो राहुल से जाने के बाद में बात नहीं हुई। फोन आपने किया होगा तो फोन चालू था, बंद आ रहा था? चालू था, घंटी जा रही थी। हाँ। चालू था फोन तो। आशीष से उसके बाद फिर दोबारा बात हुई, जब वो हड़बड़ाहट में था, घबरा रहा था, तो क्या उसके बाद भी आपकी आशीष से बात हुई? लास्ट बार उसने कहा कि वो जंगल में बिछड़ चुका है, घबरा रहा है, राहुल नहीं मिल रहा, ऐसा भी कह रहा है। उसके बाद फिर क्या दोबारा बात हुई आपके आशीष के साथ? फिर उससे मतलब दोबारा सन्नी ने बात करी, बोला आसू भैया आप कहाँ पे हो? हाँ। और जहाँ पे हो तो वहीं पे बैठ जाओ, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप चरण मंदिर पे के आसपास हो तो चरण मंदिर पे ही बैठ जाओ। हाँ। हम आपको वहाँ से ले आएंगे। फिर जगह बताई आशीष ने? नहीं, जगह तो नहीं बताई। वो बहुत ही ऐसे हड़बड़ा रहा था, बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा था वो। ये थी, अब उसने ये नहीं बताया कि वो क्यों इतना हड़बड़ा रहा था, क्या था, ऐसा कुछ भी ऐसे तो नहीं कहा। बस रास्ता भटकने की बात लगातार आशीष की ओर से कही गई थी? हाँ, आशीष ने गई थी ये तो बात, भाई मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल नहीं मिल रहा बस। बहू जी अक्सर कितनी बार जाते होंगे दोनों भाई, कभी जैसे पहले भी कभी गए हैं किले पर, ये इसी रास्ते से, चूंकि आप ही के सामने मैं देख पा रहा हूँ कि ये सामने वाली पहाड़ी चांदमारी के पीछे, इसी जगह से गए थे वो लोग? ऐसे तो 2-3 बार इनके स्कूल जाती है ना। हाँ। गणेश चतुर्थी को। हाँ। उनके साथ जाते थे। हाँ। पहले भी कई बार जा चुके। ऐसे नहीं है कि वो रास्ता नहीं जानते, कोई अनजान है, ऐसा थोड़ी है। वो तो खुद जानते हैं रास्ता, खुद खूब जाके आए हैं, सब कुछ ऐसा नया थोड़ी उनके लिए। पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुबह के वक्त में छुट्टी का दिन था। हाँ। तो कौन कह रहा था कि भाई आज हम किले पर जाएंगे? नहीं, वो राहुल, पहले राहुल ने कहा था। हाँ। फिर आशीष की भी ये थी, अगर मम्मी आज संडे है तो लो हम जा आते हैं। हाँ। तो मैंने ये भी कहा था भाई तुम रहने दो, वहाँ पे कुछ घास वास भी ऐसी हो रही है, कुछ ऐसा कोई कीड़ा कुछ खा जाएगा। तो नहीं, बोलो मम्मी इतने भी छोटे नहीं है, थोड़ा तो दिखता है हमको, हम खुद देख लेंगे और हम आ जाएंगे, घूम घाम के आ जाएंगे। हाँ। बस इतनी बात हुई थी। राहुल ने क्यों फोन नहीं किया? बड़ा सवाल ये कि राहुल, आशीष आपको फोन करा है, बड़ा समझदार बेटा भी था राहुल, बड़ा बेटा भी था, राहुल क्यों फोन नहीं कर रहा होगा आपको? मतलब क्या राहुल पहले बिछड़ चुका होगा या राहुल के हाथ से फोन? नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे 11 बजे तक तो बात ये थी, तो 11 बजे तो उसने कहा आशीष, मतलब मैंने कॉल आशीष को किया, तो उसने कही कि हम आ रहे हैं। हाँ। बात ये थी भाई हम आ रहे हैं, तो फिर मैंने राहुल को कॉल नहीं किया, भाई ये आ रहे हैं दोनों, और कैमरे में नजर आ रहे हैं वो आते हुए बाहर। हाँ, फिर बाद में वो नहीं आए ना, तब मैंने 1 बजे वो आशीष को, वो राहुल को कॉल किया, तो उसने नहीं उठाया, तब मैंने आशीष को किया। होमगार्ड से भी उनकी बात हुई थी बाबूजी? क्या बात हुई? चाय वाय पिलाई थी उन्होंने, उनको जानकार। विष्णु आप नजर बनाए रखना इस पूरे मामले पर। तो ये थे राहुल और आशीष के माता पिता, जो बता रहे थे कि उस दिन आखिर घटना हुई क्या थी जिसके बाद उनका बच्चों से संपर्क नहीं हो पाया। शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।